शहर के चितरगढ़ पट्टी में स्थित पानी के टैंक में बुधवार शाम एक महिला की लाश बरामद हुई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और शिनाख्त के लिए नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं मृतका की पहचान 60 वर्षीय निर्मला देवी पत्नी बालकृष्ण निवासी चितरगढ़ पट्टी के रूप में हुई है, जिसके परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतका महिला मानसिक रूप से पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रही थी, तो 2 साल पहले उसके बेटे की भी डेथ हो चुकी थी, जिसका सदमा वह सहन नहीं कर पाई। इसकी वजह से सुबह 11 बजे घर से निकली हुई थी। पूरा परिवार उसकी तलाश में जुटा हुआ था, लेकिन शाम को करीब 6 बजे मोहल्ला वासियों व पुलिस ने उनको बताया कि निर्मला देवी की पानी में डूबने से मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयानों पर मामला दर्ज कर लिया है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय है जी। जी सर, कल एक डिग्गी में लाश मिली थी, क्या कहना चाहेंगे? वही परिवार में थे, नानी जी लगते थे मेरे, थोड़े से मेंटली अपसेट थे और घर से निकले करीबन 11:30 बजे करीब, लेकिन उन्होंने ढूंढने की कोशिश की तो मिले नहीं। बाद में पता चला था कि डिग्गी में जो वहाँ पे काम करते अधिकारी, उनको पता लगा, वो आए हैं घर पे, उन्होंने बताया, बाद में देखा है तो पता लगा कि वो वहाँ पे एक्सपायर हो गए थे। कितने समय से वो मानसिक तौर से परेशान चल रहे थे? काफ़ी टाइम हो गया था, ये हो गया उनको करीबन 4-5 साल हो गए थे। कितनी एज थी उनकी? एज होगी करीबन 55-60 के करीब।